Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सर्च बॉक्स बना सकते हैं एक्सेल में और सर्च बॉक्स बना करके आप किस प्रकार से अपने बॉस को, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को, कंप्यूटर टीचर को इंप्रेस कर सकते हैं. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सर्च बॉक्स बनाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को. देखिए यहाँ पर हम जो सर्च करेंगे ना, जैसे क्या होता है कि आमतौर पर हम सर्च करते हैं एस यू आर, तो पूरा जो सूरज एस यू आर से जो अक्षर होते हैं उनके नाम से जो नाम होते हैं वो खुल करके सामने आ जाते हैं. कुछ वैसा ही वीडियो ये होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और ये पूरा डेटा आप कर लीजिए सेलेक्ट. यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. और यहाँ पर उससे भी पहले हमें क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग कर लेना है, फॉर्मेट कर लेना है. चलिए इसको फॉर्मेट करते हैं और इसको भी वैसा ही बना देते हैं, ठीक है. इसमें हम सर्च का फॉर्मूला सर्च करेंगे, ठीक है. सर्च का फॉर्मूला लगाएंगे और चीज़ें सर्च करेंगे. यहाँ मैं लिख देता हूँ एस ई ए आर सी एच, यानी सर्च का इसमें हम फॉर्मूला सर्च करेंगे, ठीक है. ये तो हमने फॉर्मेटिंग कर लिया, लेकिन अब इसको करने की बारी है. तो यहाँ तक आप पूरा सेलेक्ट रखिए डेटा और जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और आ जाइए न्यू रूल्स पे और यहाँ पर क्लिक करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट. क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है और सर्च का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि सर्च का फॉर्मूला ही काम करेगा इस पे, ठीक है. तो ये सर्च का फॉर्मूला हमने लगा लिया. क्या सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, हमें यहाँ सर्च करना है. तो इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करना है और ये जो डॉलर लगा हुआ है ना रो पर, यानी वन के पहले जो डॉलर है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. यहाँ पर वन के पहले जो डॉलर है ना इसको हटा दीजिए आप, ठीक है. और फिर यहाँ एंड का साइन लगाइए. एंड का साइन कहाँ से लगाएंगे, अल्फाबेटिक बटन सेवन, सेवन का अल्फाबेटिक बटन जो है उसको शिफ्ट दबा करके दबाइएगा तो ये एंड का साइन लग जाएगा. और इसके बाद आप सेकंड वाले को सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से डॉलर हटा दीजिए और यहाँ लगा लीजिए एंड का साइन. सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसको सही से करते हैं एक बार और. यहाँ पहले मैंने सेलेक्ट किया था स्टूडेंट नेम और यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा लीजिए, हो गया. अब यहाँ पे लगाइए फिर एंड का साइन, ठीक है. और यहाँ पे फादर्स नेम को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये हटा लीजिए डॉलर का साइन और यहाँ पर आ जाइए, फिर एंड का साइन लगा लीजिए. फिर थर्ड वाला यानी कि सी वाला सेलेक्ट कर लीजिए कॉलम और यहाँ से डॉलर हटा दीजिए, फिर एंड का साइन लगा लीजिए. फिर यहाँ से फोर्थ वाला यानी डी वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए, ए के पहले जो डॉलर लगाया उसको हटा दीजिए और एंड का साइन लगा लीजिए. फिर ई वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए और यहाँ जो डॉलर लगा है उसको हटा दीजिए और फिर एंड का साइन लगा लीजिए आप. अब एफ वाला सेलेक्ट कीजिए और यहाँ जो वन के पहले डॉलर है इसको हटा दीजिए और कर दीजिए इस ब्रैकेट को बंद. आपका काम हो चुका है, बस करना इतना है कि फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिल पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये, जैसे बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो ये नहीं आएगा, फिल पे क्लिक करना है आपको. और फिल पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कोई कलर, जो कलर आप देखना चाहते हो, ठीक है. मैं चूज कर लेता हूँ रेड कलर, ठीक है. और यहाँ पे प्रेस करना है आपको ओके, ओके प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे प्रेस कीजिए ओके. तो ये जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा. अब आपका काम हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है. अब आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी डेटा आप चाहते हो सर्च करना. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ M या मैं सर्च करता हूँ S A N J A Y, ये मैंने सर्च किया, इंटरफेस करता हूँ तो ये देखिए संजय तिवारी जो है, जो भी संजय के नाम से था वो डेटा जो है खुल करके हमारे सामने आ रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे संजय तिवारी दो डेटा है, ठीक है. तो ये दोनों डेटा खुल करके सामने आ रहा है. अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ M, M O, तो देखिए यहाँ M O, M O से मोहित है, ठीक है. तो ये M O से आ रहा है, ठीक है. इसके बाद अगर मैं M O H लगा देता हूँ तो ये देखिए, ठीक है. और इसके आगे I T कर देता हूँ तो ये देखिए सिर्फ मोहित कुमार वाला ही डेटा खुल करके सामने आ रहा है. तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी और इस वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें
और एक और मैं दिखा देता हूँ इसमें डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके, अभिषेक जितना होगा वो सब सामने आ जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो बार अभिषेक आया हुआ है और ये दोनों बार अभिषेक सेलेक्ट हो जा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।